देखिए आवारा पशुओं के कारण कैसे गई एक युवक की जान। मुंबई एनसीबी ने 2 करोड़ के 111 किलो गांजा समेत किया 4 को गिरफ्तार। तेलंगाना में कार पीछे लेने के दौरान नहर में गिरी कार ड्राइवर की हुई मौत। हिंदुस्तानी रिपोर्टर की एचआर तेज खबरों में आपका स्वागत है। आज की हमारी पहली एचआर तेज खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले से है। इधर प्रधान चौरा इलाका है जहां पर बीती रात को एक भयानक दुर्घटना घटी है और दुर्घटना का कारण है आवारा छोड़े जाने वाले पशु। तो आवारा छोड़ी हुई गाय अपने बछड़ों के साथ बीच सड़क पर है और उसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार 24 वर्षीय हिमांशु मिश्रा यहां से गुजरता है तो कैसे गाय के बछड़े से उसकी टक्कर होती है और टक्कर होने के बाद वो सीधे बिजली के पोल से टकराता है और उसके बाद घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ गाय के बछड़े की भी मौत हुई है लेकिन आवारा पशुओं का मुद्दा अभी भी अपनी जगह बना हुआ है जो लोगों की जाने ले रहा है। चार तेज खबरों में हमारी दूसरी खबर अहमदनगर के पाथरडी से है। यहाँ पर मुंबई के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जोनल ब्यूरो ने एक बड़ी छापामारी की है। एनसीबी को सूत्रों से जानकारी मिली थी इंटरस्टेट ड्रग्स ट्रैफिकिंग की, अंतरराज्य ड्रग्स तस्करी की, जिसके चलते उन्होंने इन तस्करों पर अपनी नजर रखी थी मगर तस्कर हर बार अपनी जगह, अपना आने जाने का रास्ता सब कुछ बदल रहे थे, इस वजह से वो देरी से हाथ में लगे। बहरहाल एनसीबी ने अहमदनगर के पाथरडी में अपनी इंटेलिजेंस के आधार पर और मिली सूचनाओं के आधार पर छापामारी की है और ओडिशा से लाया गया 111 किलो गांजा बरामद किया है जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है। पुलिस के अनुसार, एनसीबी के सूत्रों के अनुसार, ये 4 लोग जिन्हें इस गांजे समेत गिरफ्तार किया है, 2 गाड़ियां बरामद की गई है, ये सभी ओडिशा से गांजा लाकर मुंबई और पुणे में इसकी सप्लाई किया करते थे। चार तेज खबरों में हमारी तीसरी खबर तेलंगाना के वेलपुर मंडल से है। वेलपुर मंडल में एक अजीबोगरीब दुर्घटना घटी है। वेलपुर मंडल की नहर के पास 56 वर्षीय जी रमेश अपनी कार रिवर्स में ले रहे थे। रिवर्स में लेने के दौरान कार का नियंत्रण छूट गया और नियंत्रण छूटने के बाद कार सीधे नहर में जा गई जिसके चलते ड्राइवर जी रमेश की मौत हुई है। देखिए किस तरह से ये दुर्घटना घटी। ये थी हमारी आज की एचआर तेज खबरें। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली एचआर तेज खबरों के।